Welcome to Net Forum. And today we will going to discuss an example of B+tree, which will help you in getting the idea that how to insert elements in a B+tree having an order of k equal to 3. K equal to 3 means that maximum number of values which can be inserted in a node are 2 and maximum number of child pointers are 3. So let us now start making a B+tree. Now look at this B+tree, it is represented as this, in this way. It has two values. So first let us put 8, and 8 ke baad ab isme aayega 5. To jab 5 aayega to 5 aur 8 ek saath hamesha jo elements rehte hain wo hamesha sorted rehte hain. To ye ho gaya, ye ho gaya. Agla aaya 1. Now the size or maximum possible elements are 2 in each node, right? So ab 1 aayega to fir ab 1 5 8 to tootega ek saath, 1 5 aur 8 to beech wala jo hai wo split hokar ke upar jayega, to jo tree banega wo banega aisa 5 1 और 8. अब क्योंकि ये B+tree है इसलिए इसकी एक कॉपी 5 की यहां भी रहेगी. अगला एलिमेंट जो है आपका 1 हो गया. अगला एलिमेंट 3 है, 3 बिना किसी दिक्कत के यहां पे आ जाएगा. अगला एलिमेंट है 7. जब 7 यहां पे आएगा तो यहां पे टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 5 7 और 8. 7 टूटेगा ऊपर को जाएगा तो यहां पे ट्री बनेगा 5 7 1 3, and यहाँ पे बनेगा 5 और यहाँ पे आपका बनेगा 7 और यहाँ पे आपका बनेगा 8. ठीक है, ये कॉपी आ जाएगी 7 की, कॉपी यहां पे आ जाएगी. ठीक, अगला एलिमेंट आपका 3 हो गया, 7 हो गया. अगला एलिमेंट आपका 12 है. 12 जाहिर सी बात है कि इधर ही आने की कोशिश करेगा, जो कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका साइज जो है वो ये ऑलरेडी फिल है ये नोड. तो फिर क्या होगा, मिटा देते हैं यहां पे, समझने में आसानी रहेगी. तो नोड ब्रेक होगी, टोटल होगा 7 8 और 12. तो फिर 8 ऊपर जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा तो यहां जाएगा, यहां जाएगा तो फिर 5 7 8 है तो 7 सबसे ऊपर जाएगा, तो टोटल आएगा ऐसे बनेगा 7 ऊपर 5 7 8 था तो फिर 5 इधर आएगा और जो 8 है वो आपका इधर आएगा. अब ये को आपको पता ही है कि जो इंटरनल नोड्स होती हैं इनमें कॉपी नहीं आती है, कॉपी हमेशा लीफ नोड्स में आती है, क्योंकि B+tree में जो सारा डेटा होता है वो लीफ नोड्स में ही रहता है और हर एक लीफ नोड पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपस में डबली लिंक्ड लिस्ट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं. ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने B+tree कर दिया था डिटेल में. तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस वाले लेक्चर में जाइए, जाके देखिए कैसे B+tree में सारे एलिमेंट जो लीफ नोड पे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट. अब आ जाइए इधर, ये तो सही है 5 के इधर वाला, कोई दिक्कत नहीं है. 1 और 3 आ गया, इधर वाला 5 रहेगा. ठीक है, इधर अब देखिए ये है 7 है, 7 इधर जाएगा तो इसको थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं ताकि ट्री हमारा थोड़ा सा और सही आ जाए. तो ऐसे आएगा. ये 8 आएगा और 8 के जो इस तरह वाली नोड आएगी वो आएगी आपकी 7 की, और इधर वाली जो नोड आएगी वो आएगी आपकी, एक तो आपका 8 तो आएगा ही आएगा
और दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका 12। तो ये हो गया। अगला एलिमेंट आएगा आपका 9। 9 फिर से यहीं पर ही आएगा 8, 9, 12। तो फिर क्या होगा, 8, 9, 12 आ नहीं सकता है, तो फिर 8 यहाँ 9 यहाँ पे जाएगा और फिर से शफलिंग होगी। तो आइए देखते हैं अगला जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री बनेगा टूट करके वो कैसे बनेगा। छोटा सा बनाएंगे ताकि थोड़ा क्लियर बन जाए। 7, 5, 8। अब यहाँ पे क्या था, 8, 9 और 12, यानी कि 9 ऊपर गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 और 3 था, इट इज 1 और 1 एंड 3। यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे आपका 8 आएगा और यहाँ पे आपका 9 और 12 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो आपका फाइनल आपका बी प्लस ट्री बन जाएगा। और इस तरीके से हम लोग बी प्लस ट्री डिज़ाइन करते हैं। जितने भी की एलिमेंट्स होते हैं इंटरनल के, उन सब के जो कॉपीज़ होती हैं वो लीफ नोट पे होती है। और एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हर एक लीफ नोट एक दूसरे से डबली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट से आपकी अटैच्ड होती है, ताकि जो एलिमेंट्स हैं लीफ नोट पे वो आराम से सर्च हो सकें, उनकी इंडेक्सिंग प्रॉपर हो सके। और बी प्लस ट्री का मेन एप्लीकेशन ही एसक्यूएल में होता है, सीक्वल में होता है। कैसे डेटा को हम लोग एक ट्री के फॉर्म में अरेंज करते हैं ताकि उसकी इंडेक्सिंग हो सके। इंडेक्सिंग हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, एक बार मैं आपसे फिर से बता देता हूँ। इंडेक्सिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से किसी भी डेटा को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग मतलब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि हम बुक्स में जाते हैं और जाके कंटेंट देखते हैं, कंटेंट से चैप्टर पे जाते हैं। तो इंडेक्सिंग की हेल्प से हमें कोई एलिमेंट ढूंढना है तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हमें आइडिया लगेगा, या तो हम यहाँ जाएंगे या हम यहाँ जाएंगे। इधर जाएंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है जैसे जो हमें सर्च करना है वो हमें इस क्लस्टर में मिलेगा या इस क्लस्टर में मिलेगा। ऐसे ही हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आसानी से जा सकते हैं। और अगर डेटा हमारा हायरार्की स्टोर्ड है तो हम आसानी से उस पर्टिकुलर लीफ नोड तक पहुँच करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यह एक छोटा सा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का एक आपके लिए ट्यूटोरियल था, जिसमें आपको एक आइडिया लगे कि बी प्लस ट्री को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उसे एक्जीक्यूट करवाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको वीडियो देते रहता रहूँ। और एक बात और, जो बच्चे बीटेक में हैं, बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं और थर्ड ईयर में हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह है कि लैम्डा कैलकुलस की मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जो कि आपको एक अलग से मिल जाएगी। तो आप जाइए वहाँ पे बेसिस लेकर के एडवांस तक के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा करके आराम से लैम्डा कैलकुलस सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।